श्रीमद् भगवत गीता का पाठ हमें जीवन के बारे में सच्चाई से परिचित कराता है। ये अंधविश्वास और झूठी मान्यताओं से मुक्ति पाने में हमारी मदद भी करता है। गीता से प्राप्त ज्ञान हमारे संदेहों को दूर करता है और हमारे आत्मविश्वास को मजबूत करता है। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल के व्यक्तित्व और उनकी कार्यशैली में गीता के ज्ञान का प्रभाव साफ दिखाई देता है। इन दिनों कुरुक्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव का आयोजन चल रहा है, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल की कार्यशैली की सराहना हो रही है। और हाल ही में गीता महोत्सव में पहुंचे उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने जहां मुख्यमंत्री मनोहर लाल को सराहा था, तो वहीं गृह मंत्री अमित शाह जब महोत्सव में शिरकत करने पहुंचे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री की इस बात के लिए प्रशंसा की कि गीता के संदेश को विश्व में प्रसारित करने के उनके प्रयास सराहनीय है। पेश है हमारी एक खास रिपोर्ट। गृह मंत्री से सीएम मनोहर लाल को मिली सराहना। अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव के आयोजन में इस बार मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जय जयकार हो रही है। आपको बता दें कि गीता महोत्सव के शुभारंभ के मौके पर पहले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने मनोहर लाल की सराहना की थी। वहीं शुक्रवार को जब गृह मंत्री अमित शाह यहाँ पहुंचे तो उन्होंने भी मुख्यमंत्री मनोहर लाल की जमकर सराहना की। गृह मंत्री अमित शाह ने अपने संबोधन में मुख्यमंत्री मनोहर लाल की सराहना करते हुए कहा कि गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने की परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वर्ष 2014 में कुरुक्षेत्र आगमन पर ही की थी, जिसे मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने साकार किया है। गृह मंत्री ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल साधुवाद के पात्र हैं, जिन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की गीता के संदेश को विश्व में प्रसारित करने की संकल्पना को मूर्त रूप दिया और वर्ष 2016 से गीता महोत्सव को अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप दिया। बचपन से मां ने गीता का पाठ कराया। वहीं अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव में पहुंचे गृह मंत्री अमित शाह ने कहा कि बचपन से मेरी मां ने मुझे गीता का पाठ कराया। बचपन से ही मां ने गीता सिखाई। यही कारण है कि जीवन में तमाम उतार चढ़ाव के बाद भी निराश नहीं हुआ। शाह ने कहा कि आज भी गीता उतनी ही प्रासंगिक है जितनी हजारों साल पहले थी। 5000 साल से ज्यादा समय पहले यहां स्वयं भगवान श्री कृष्ण ने अपने श्री मुख से गीता का उपदेश अर्जुन को दिया था और आज देश आजाद होने के बाद 75 साल में ज्ञानानंद जी जैसे अनेक संत महात्माओं ने गीता के उपदेश को और गीता के ज्ञान को पूरे विश्व के बीच में पुनर्स्थापित करने का काम किया है। उन्होंने गीता के संदेश को विश्व के कोने कोने तक पहुंचाने और सभी से इसे आत्मसात करने का आह्वान किया। वहीं अमित शाह ने कहा कि धारा 370 समाप्त हो जानी चाहिए और भारत से कश्मीर को जुड़ जाना चाहिए। इस देश को पंथ निरपेक्ष बनाना है तो 3 तलाक जैसे कानून समाप्त होने चाहिए। धारा 370 समाप्त हो चुकी है। इसी के साथ साथ काशी विश्वनाथ कॉरिडोर, उज्जैन महाकाल, केदारनाथ और बद्रीनाथ में लोग आराम से दर्शन कर पाए, यही हमारा उद्देश्य है। सीएम मनोहर लाल ने बताया गीता का महत्व। गीता महोत्सव में मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने अपने गीता ज्ञान को प्रस्तुत किया। सीएम ने कहा कि गीता का ज्ञान मात्र वाचन करने और पुस्तक में रखने का ज्ञान नहीं है, इसमें जीवन का सार है।
और यह सार्वभौमिक है, सारस्वत है। इस मौके पर मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने बताया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रेरणा से उन्होंने वर्ष 2016 में गीता जयंती को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर मनाने का कार्य शुरू किया। इन 8 वर्षों में गीता महोत्सव विश्व के कई देशों तक पहुंच गया है। अब अमेरिका और श्रीलंका भी गीता महोत्सव मनाने की बात कर रहे हैं। सीएम मनोहर लाल ने जानकारी दी कि पिछले 7 दिसंबर से शुरू हुए महोत्सव में 30 लाख से अधिक लोग पहुंचे हैं। पिछले 70-75 सालों में इस देश की गुलामी के जो चिन्ह थे उनको मिटाने के लिए, उनको दूर करने के लिए, उनको हटाने के लिए ये काल शुरू हुआ अपना 2014 से श्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में और गृहमंत्री श्री अमित शाह जी ने जैसे जिस सरल ढंग से और जिस बड़े आसान तरीके से एक एक चीज की पहचान करके बहुत तरह तरह की शंकाएं जाहिर की जाती थी, अयोध्या में राम मंदिर बनेगा तो पता नहीं क्या हो जाएगा, ऐसे एक मिनट चुटकी में सारा मामला हल हो गया। जम्मू कश्मीर में 370 हटाना यह असंभव लोगों को लगता था, एक मिनट में सब ठीक हो गया। बहुत से ऐसे विषय जो किए गए हैं और मैं तो बधाई देना चाहूंगा आदरणीय गृह मंत्री जी को कि जो कल ही यानी इस देश के संचालन करने के लिए जो देश के कानून होते हैं, खास करके गृह विभाग से जुड़े हुए जो कानून, चाहे वो आईपीसी है, सीआरपीसी है, सैकड़ों साल पुराने वो कानून बने हुए जो इस देश के सिस्टम को समझते नहीं, यहां के लोगों की भावनाओं को समझते नहीं है, उन कानूनों के बदले 3 नए कानून कल ही लोकसभा राज्यसभा में पास हो गए हैं और जैसा आपने जानकारी दी है आज वो एक्ट का रूप धारण कर लेंगे। मैं बहुत बधाई देता हूं आपको, सराहना करता हूं इस बात की कि अब देश भारतीय संस्कृति के हिसाब से, हमारी जो विरासत है उसके हिसाब से इस देश का संचालन लोकतांत्रिक तरीके से आगे बढ़े, इस ओर बड़े बड़े कदम सब उठाए गए हैं। मैं आपको भी, देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को और हमारे अमित शाह जी को लोह पुरुष के नीचे संज्ञा देने का मन नहीं करता, आप भी दोनों लोह पुरुष हैं जिस प्रकार के निर्णय आप ले रहे हैं। गुलामी के चिन्ह को मिटाने का हुआ काम। मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा कि मौजूदा हालात में संसार के अंधकार में पूर्ण वातावरण को गीता के ज्ञान से रोशन किया जा सकता है। भाजपा सरकार ने सत्ता संभालते ही गुलामी के चिन्ह हटाने और मिटाने का काम किया है। सीएम बोले कि गृह मंत्री अमित शाह ने कई ऐसी समस्याओं का चुटकी में समाधान किया है जिनके बारे में कई तरह की आशंकाएं फैलाई जा रही थी। अपने प्रदेश हरियाणा के लिए गर्व का ये विषय है कि जिस गीता ज्ञान को हजारों वर्ष पहले भगवान कृष्ण ने अर्जुन को युद्ध के मैदान में जो संदेश दिया वो केवल एकमात्र कोई श्लोक या कोई वाक्य, कोई पुस्तक का वाचन नहीं था, बल्कि जीवन का एक ऐसा सार जिसको हम शाश्वत कह सकते हैं, सार्वभौमिक कह सकते हैं, सर्वस्पर्शी कह सकते हैं, जो सबके लिए उस समय भी उतना ही उपयोगी था जितना आज वो उपयोगी लग रहा है। तो इस जीवन के सार को, गीता ज्ञान को आगे बढ़ाने के लिए हरियाणा में एक छोटा सा उत्सव गीता महोत्सव जो मनाया जाता था उसको 2016 में अपने देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी की प्रेरणा से, जो उन्होंने स्वयं 2014 में जब वो यहां आए थे तो उन्होंने कहा था कि गीता के इस प्रसार को आगे बढ़ाने के लिए, इसका महत्व हमको कुरुक्षेत्र में इस प्रकार के कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए कुछ विशेष करना होगा, तभी गीता को लोग जानेंगे। 2016 में हमने इसको अंतर्राष्ट्रीय स्वरूप पर मनाने का निर्णय लिया था। ये 8वां वर्ष है, दर्जनों देशों के लोग इस कार्यक्रम में आते हैं। 7 तारीख से लेकर 24 तारीख से यह कार्यक्रम 2 भागों में है। मुख्य कार्यक्रम तो 17 तारीख से और 24 तारीख तक है, लेकिन उससे पहले सरस मेला और एक प्रकार का जो एक लोगों के आकर्षण का केंद्र बनता है, तो कुल मिलाकर 30 लाख से ज्यादा लोग इस सारे कार्यक्रम को एक प्रकार से भ्रमण करते हैं, यहां आते हैं, यहां उनकी उपस्थिति लगती है। और अन्य देशों में भी स्वामी गानंद जी महाराज ने प्रयत्न करके बहुत देशों में कार्यक्रम शुरू करवा दिए हैं। मॉरिशियस है, यूके है, कनाडा है, ऑस्ट्रेलिया है, अभी यूएसए का निमंत्रण आया हुआ है। आज ही श्रीलंका के
जो वहां के संस्कृति मंत्री, उन्होंने अपनी इच्छा व्यक्त किया कि हमारे यहाँ श्रीलंका तो बहुत नजदीक है, हिंदू समाज वहां रहता है, तो वहां भी ये कार्यक्रम करने चाहिए। तो इस प्रकार के एक विस्तृत कार्यक्रम की रूपरेखा आगे बढ़ रही है, तैयार हो रही है। एक संस्कार में अंधकार में जो वातावरण था उसको दूर करने के लिए गीता से बढ़िया और कोई संदेश हो नहीं सकता। गृह मंत्री फकीर सीएम मनोहर लाल बाबा, आपको बता दें कि कुरुक्षेत्र में शुक्रवार को अंतर्राष्ट्रीय गीता महोत्सव पर ब्रह्म सरोवर के पुरुषोत्तमपुरा बाग में संत सम्मेलन आयोजित किया गया था। इस मौके पर स्वामी रामदेव ने कहा कि गीता जन जन मन मन में और पूरे विश्व में होनी चाहिए। उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी की तारीफ करते हुए कहा कि प्रधानमंत्री 365 दिन राष्ट्र के लिए जीते हैं। वहीं उन्होंने गृह मंत्री को फकीर बताया और सीएम मनोहर लाल को बाबा कहा। स्वामी रामदेव ने कहा कि ज्ञान योग और गीता ही हमारे जीवन का आत्म संयम योग है। गीता जन जन मन मन में और पूरे विश्व में होनी चाहिए। उन्होंने कहा कि हिंदुस्तान में आज जो फकीर हैं, वही हिंदुस्तान की तकदीर बदलने में लगे हुए हैं। गीता हमारे जीवन का संगीत है, गीता हमारा योग है, गीता हमारा कर्म योग है, गीता हमारा भक्ति योग है, गीता हमारा ज्ञान योग है, गीता हमारे जीवन का आत्म संयम है, आत्म संयम योग। गीता भगवान की विभूति है, विभूति योग। गीता हमारे लिए कर्म भी और कर्म संन्यास योग भी है, मोक्ष योग। गीता के 18 अध्याय योग है। रामदेव बोले, हमारे जैसे बाबा ही हैं मुख्यमंत्री। स्वामी रामदेव ने कहा कि मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने गीता महोत्सव की संरचना को जो ऊर्जा प्रदान की है वह सराहनीय है। स्वामी रामदेव ने अपने चिर परिचित अंदाज में कहा कि वह भी हमारे जैसे बाबा ही है। माता सती जी के पावन चरण के दर्शन। वहीं गृह मंत्री अमित शाह और मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने श्री श्री कृपा बिहारी मंदिर में माथा टेका और देशवासियों के लिए मंगल कामना की। 51 शक्तिपीठों में से एक कुरुक्षेत्र स्थित श्री देवी कूप भद्रकाली मंदिर में गृह मंत्री के साथ सीएम मनोहर लाल ने माता सती जी के पावन चरण के दर्शन किए, साथ ही विश्व कल्याण और सद्भाव के लिए प्रार्थना की। हरियाणा के लिए गर्व की बात है कि हजारों वर्ष पहले श्री कृष्ण जी ने जिस गीता ज्ञान को युद्ध के मैदान में अर्जुन को प्रदान किया वो आज भी उतना ही उपयोगी है। इसी के परिणाम स्वरूप आज अन्य देश भी गीता महोत्सव का आयोजन अपने यहाँ करवाने में रुचि दिखा रहे हैं। मॉरिशियस, कनाडा, यूके, ऑस्ट्रेलिया में आयोजन भी हो चुका है, जबकि श्रीलंका के संस्कृति मंत्री ने अपने देश में भी गीता महोत्सव का आयोजन करवाने की रुचि दिखाई है। स्पेशल डेस्क, के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।